आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा बदल जाती है और इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब ये बताइए, यह जो चित्र में आपको दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? कुछ याद आया आपको? यह एक कांच की सिल्ली है, अंग्रेजी में इसे ग्लास स्लैब कहते हैं। तो अब हम एक क्रियाकलाप से समझते हैं कि कांच की सिल्ली में अपवर्तन कैसे होता है। सबसे पहले हम एक कांच की सिल्ली लेते हैं और उसे एक सफेद शीट पर रख देते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। अब हम पेंसिल से कांच की सिल्ली के किनारों पर रेखा खींच देंगे, जो कुछ इस प्रकार होगी। अब हम डी की मदद से सबसे ऊपर वाली रेखा पर एक अभिलंब बनाएंगे और एक रेखा बनाएंगे जो अभिलंब के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही होगी। अब हम वापस बाउंड्रीज पर ग्लास की सिल्ली रख देंगे और हम 30 डिग्री वाली रेखा पर दो पिंस फिक्स कर देंगे। अब हम कांच की सिल्ली के विपरीत छोर से इन दोनों पिनों को देखेंगे और दो और पिनों को शीट पर इस प्रकार लगाएंगे जिससे कि चारों पिन एक सीधी रेखा पर हो। अब हम कांच की सिल्ली और पिन्स को शीट से हटा देंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का चित्र मिल जाएगा। ABCD यहाँ पर कांच की सिल्ली को दर्शा रहा है और EFGH चारों पिनों को दर्शा रहा है। EF कांच की सिल्ली KE किनारों से बिंदु O पर मिलती है और GH बिंदु O डैश पर मिलती है। अब हम O और O डैश को जोड़ देते हैं। अब हम EF को आगे तक खींच देंगे। यहाँ पर EF OO डैश और GH प्रकाश किरण को दर्शा रही है और बिंदु O और O डैश पर दो लंबवत किरणें खींची हुई है। आप देख सकते हैं कि प्रकाश किरण EF पॉइंट O पर हवा से कांच के अंदर जा रही है, यानी एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में। यहाँ पर हवा एक विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। आप चित्र में देख सकते हैं कि प्रकाश किरण बिंदु O पर अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। हम कह सकते हैं कि प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। I1 को हम आपतन कोण बोलेंगे और R1 को हम अपवर्तन कोण बोलेंगे। आप देख सकते हैं कि प्रकाश किरण GH बिंदु O डैश पर कांच से हवा में जा रही है, यानी एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि प्रकाश किरण बिंदु O डैश पर अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। यहाँ पर कोण R2 कोण I2 से बड़ा होगा। हम कह सकते हैं कि जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। चलिए अब इस चित्र में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करते हैं। यहाँ पर EF को आपतित किरण कहते हैं, अंग्रेजी में से इंसिडेंट रे कहते हैं, और OO डैश को अपवर्तित किरण कहते हैं और अंग्रेजी में से रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, और GH को हम निर्गत किरण कहते हैं और अंग्रेजी में इसे इमर्जेंट रे कहते हैं। आपतित किरण जो हमने आगे तक खींची थी वह निर्गत किरण के समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण समांतर होती है। चलिए अब हम समझते हैं कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपनी दिशा बदलता ही क्यों है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है, जिसकी वजह से प्रकाश की दिशा भी बदल जाती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल कम हो जाती है और वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है।
और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है और वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। हमने कांच की सिल्ली के माध्यम से अपवर्तन के बारे में विस्तार में चर्चा की। चलिए अब हम अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरे नियम के अनुसार अगर आपतन का कोण का जया साइन और अपवर्तन का कोण के जया मतलब साइन के अनुपात हमेशा अचर होता है, और इस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। यहाँ जो स्थिरांक है उसे हम दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक, जिसे अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये जो हमने पढ़ा है उसे जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब बातचीत तो काफी हो गई, अब आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। तो बताइए कि प्रकाश की किरण वायु से पानी में तिरछे रूप में प्रवेश करती है, तो क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, और ऐसा क्यों होगा? उत्तर कुछ इस प्रकार है। वायु एक विरल माध्यम तथा पानी एक सघन माध्यम है, इसलिए जब प्रकाश किरण वायु से पानी में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में प्रकाश की चाल घट जाती है। धन्यवाद।